बाबा जी, किडनी और लीवर की रोग आजकल आम होते जा रही है। क्या इसका भी ज्योतिषाचार में ऐसा कुछ है कि ये ग्रह कमजोर होता है तो ये रोग होता है? क्या इसका कोई निवारण भी है? देखिए, संसार का कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो ज्योतिष के द्वारा जो है नहीं देखा जा सकता है। और जो भी रोग बनते हैं वो हमारे ग्रहों के हिसाब से ही बनते हैं। तो जो बात किया जाए, किडनी आज के समय में बहुत भयावह रूप लेते हुए जा रहा है और कम उम्र के लोगों को जो है तेजी से किडनी की समस्या हो रही है। तो किडनी का मुख्य कारण जो होता है वो शुक्र ग्रह के कारण से होता है। अगर किसी के व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह अगर पीड़ित हैं तो शुक्र ग्रह का रोग जो होता है वो जितना भी किडनी का बीमारी हुआ है, डायबिटीज हुआ, ठीक है, और साथ में यूरिन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होता है। देखिएगा, किसी का जो है जिसको डायबिटीज होता है उसको जो है किडनी खराब होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों का संबंध होता है। तो शुक्र खराब होते हैं तो प्रारंभिक रूप से उसको जो है पहले जो है कुछ न कुछ समस्या डायबिटीज देंगे या तो कोई जो है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, फिर वो कालांतर में जाकर के जो है किडनी को इफेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का शुक्र अगर गड़बड़ है तो उसको मंत्र के द्वारा उसको बैलेंस करके किडनी रोगों से बचा जा सकता है, या जिसका किडनी हो चुका है यदि शुक्र के मंत्र का विधिवत जो है जप अनुष्ठान करे। कोई रत्न भी है क्या स्ट्रांग करने के लिए? देखिए, जब रोग हो जाते हैं तो उसको स्ट्रांग नहीं किया जाता है। रोगों का उपचार जो है उसके दान से किया जाता है। तो शुक्र का दान जो सफेद वस्तु हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, तो सफेद कपड़ा हो गया, तो इन सब चीजों का दान करना और इनके मंत्र का जप करना यहाँ पे लाभकारी होता है। किसी भी ग्रह की अधिकता से दोष होता है तो उसका दान करना चाहिए। और जब भी हमारे जब अशुभ ग्रह होते हैं तब वो हमको रोक देते हैं, तो उसमें रत्न धारण जो है श्रेयस्कर नहीं होता है। वहां पे मंत्र और दान दो चीज आपको बहुत हद तक जो है मदद करता है। और इसमें एक पृथ्वी मुद्रा होता है, अगर जिसका भी किडनी का प्रॉब्लम है, पृथ्वी मुद्रा करने से जो है किडनी के रोग वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। ये कौन सा मुद्रा है जरा बता सकते हैं? ये अनामिका और अंगुष्ठ से मिलकर के ये पृथ्वी मुद्रा बनता है। इसको करने से व्यक्ति का अगर किसी का क्रिएटिनाइन अगर बढ़ रहा है तो वहीं पे स्थिर हो जाएगा, उसको फिर डायलिसिस की स्थिति में नहीं जाने देगा। तो इसका मुद्रा भी बताया गया है शास्त्रों में और साथ में शुक्र के मंत्र का जप। और लीवर की जो प्रमुख समस्या है, आपका जो प्रश्न था, लीवर मुख्य रूप से जो है बृहस्पति ग्रह के द्वारा जो है संचालित होते हैं। तो जिसका बृहस्पति गड़बड़ होता है उसी को फैटी लीवर देता है, लीवर से संबंधित समस्या देता है, यूरिक एसिड देता है।